हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बुद्धदेव जी का पूरा ड्राइंग को कंप्लीट करूंगा और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगा कि आप लोग इस ड्राइंग को अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हो ड्रॉम्स की ऑयल पेस्टल की मदद से। तो अगर आप लोग भी ये वाला ड्राइंग करना चाहते हो तो इस वीडियो से पहले इस ड्राइंग का आउटलाइन ट्यूटोरियल और कलरिंग पार्ट को जरूर से देख लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो ड्राइंग को शुरू करने से पहले आप लोग मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे अल्ट्रामैरिन ब्लू कलर की मदद से बुद्धदेव जी की हेयर्स के ऊपर की एरिया में जो भी ब्लू पार्ट है, यानी कि बुद्धदेव जी का जो ब्लू हेयर्स है और जो पत्तों का कलर ब्लू है, उसकी जो डार्क वैल्यूज है उसके ऊपर इस अल्ट्रामैरिन ब्लू कलर से अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे शेडिंग कर ले रहा हूँ। जो भी लाइट पार्ट है हेयर्स में और पत्तों में, उस जगह को छोड़ के शेडिंग कर रहा हूँ। इस ऑयल पेस्टल की मदद से जो डार्कनेस है रेफरेंस पिक्चर में, उसमें जितना हो सके उतना डार्क दिखाना है हमें, और हाईलाइट पार्ट को छोड़ के शेडिंग करना है। क्योंकि हाईलाइट पार्ट को हमें अगर इस ऑयल पेस्टल की मदद से हम लोग करेंगे तो हाईलाइटेड पार्ट हाईलाइटेड नहीं रहेगा। तो अल्ट्रामैरिन ब्लू कलर से शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली स्काई ब्लू कलर की मदद से जो भी मिड टोन्स है उसके ऊपर मैं यहाँ पे शेडिंग कर ले रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं किस किस जगह पे हाईलाइट के लिए छोड़ रहा हूँ और किस किस जगह पे स्काई ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ, इस चीज को आप लोगों को ध्यान से करना है ड्राइंग करते वक्त। ओके, तो फर्स्ट हमने डार्क वैल्यूज पे काम किया और सेकेंड मिड टोन्स पे काम किया, अब बाकी है हाईलाइट पे काम करना। तो हाईलाइट पे हम एज यूजुअल व्हाइट कलर से ही शेडिंग करेंगे। तो व्हाइट कलर को सिर्फ हाईलाइटेड एरियाज पे नहीं, पूरे पत्ते के ऊपर थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे। ब्लू कलर के पत्ते में काम हो जाने के बाद अब जो भी येलो पत्ता है, या फिर आप लोग कह सकते हो बाकी जो भी येलो पार्ट है, उसके ऊपर मैं सिंपली येलो ऑकर कलर की मदद से शेडिंग कर ले रहा हूँ, मिड टोन्स को और हाईलाइटेड एरियाज को ध्यान में रख के। आखिर में हाईलाइटेड एरियाज के ऊपर व्हाइट कलर से मैं यहाँ पे शेडिंग कर ले रहा हूँ। अब जो बुद्धदेव जी की बॉडी में कपड़ा है वो थोड़ा सा ऑरेंज टोन में है, तो उस कपड़े के जो भी डार्क वैल्यूज है, यानी कि जो फोल्ड एरिया है, उस फोल्ड के ऊपर मैं सिंपली ऑरेंज कलर को प्रेशर अप्लाई करके यूज कर रहा हूँ। जो भी हाईलाइटेड एरियाज है उस एरिया को मैं सिंपली छोड़ के शेडिंग कर रहा हूँ, या फिर कुछ कुछ जगह पे हल्के हाथ से ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं ऑरेंज कलर को किस जगह पे किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, आप भी ड्राइंग करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो ऑरेंज कलर से शेडिंग हो जाने के बाद अब जो भी एरिया को मैंने छोड़ कर शेडिंग किया था, उस एरिया के ऊपर सिंपली जो मीडियम येलो कलर होता है, लेमन येलो नहीं, मीडियम येलो, उस मीडियम येलो कलर की मदद से हमें यहाँ पे शेडिंग कर लेना है। कुछ कुछ जगह को मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोड़ कर शेडिंग किया हूँ, उस जगह पर सिंपली व्हाइट कलर से शेडिंग कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं किस किस जगह पे व्हाइट कलर का यूज़ किया हूँ। तो कैरेक्टर के अराउंड जो भी पार्ट्स है, उस पार्ट्स को कलर कर लेने के बाद मैं पहले इस एरिया को एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगा, क्योंकि आप लोग कह सकते हो ये हमारा कैरेक्टर कलरिंग पार्टी है। और कैरेक्टर कलर कर लेने के बाद हमें बाकी रहेगा बैकग्राउंड को कलर करना, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड को कलर कर लूँगा। तो बैकग्राउंड को हमें दो स्टेप पे कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर वन, जहाँ पे जो जो कलर नज़र आ रहा है फर्स्ट लेयर पे, वहाँ पे उस कलर से शेडिंग करना है। मुझे मेजोरिटी बैकग्राउंड में ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू कलर से शेडिंग कर ले रहा हूँ, हाईलाइट और डार्क वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। डार्क वैल्यूज पे मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और हाईलाइटेड एरियाज में थोड़ा कम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं कोबाल्ट ब्लू कलर की मदद से फुल बैकग्राउंड पे शेडिंग कर लिया हूँ। तो कोबाल्ट ब्लू के साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पर्पल कलर का भी यूज़ करूँगा।
तो कोबाल्ट ब्लू कलर से शेडिंग हो जाने के बाद जिस भी एरिया पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पर्पल टोन है वहाँ पे मैं सिंपली जो लाइट पर्पल कलर होता है उससे शेडिंग कर लिया हूँ, और पर्पल कलर के बाद वाइट कलर से शेडिंग कर लिया हूँ फुल बैकग्राउंड में। तो कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एज यूजुअल मुझे ब्लेंडिंग करना है, तो ब्लेंडिंग मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में यानी कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा राउंड राउंड करके ब्लेंड कर ले रहा हूँ। तो ये ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हमारा जो बेस लेयर होता है बैकग्राउंड का वो तैयार हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड का बेस लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा मुझे ब्लैक एरिया दिखाना है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली ब्लैक कलर का यूज करूंगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ब्लैक कलर होना चाहिए वहाँ पे मैं सिंपली ब्लैक कलर से शेडिंग कर लिया हूँ, और अब एक कॉटन बर्ड की मदद से ब्लैक कलर को तो ब्लेंड करूंगा ही और ब्लैक कलर के साथ ब्लू कलर को थोड़ा बहुत मिक्स भी कर लूंगा जिससे कि बैकग्राउंड का फील अच्छा आए। तो आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना। ओके, तो बैकग्राउंड को कलर कर लेने के बाद अब बारी है थोड़ा बहुत जो भी ब्लैक डिटेलिंग है उसको करने का। तो उसको करने के लिए मैं एज यूजुअल सॉफ्ट शार्पनर पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग चाहे तो इस पार्ट में ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर 8B और 10B ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ छोटे मोटे ही डिटेलिंग मैं यहाँ पे सॉफ्ट शार्पनर पेंसिल की मदद से कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक डिटेलिंग को मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑयल पेस्टल की मदद से कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से सॉफ्ट शार्पनर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करने की कोशिश करना। तो इस पार्ट को ध्यान से देखो। सॉफ्ट शार्पनर पेंसिल की मदद से डिटेलिंग हो जाने के बाद अब बारी है फाइनल डिटेलिंग ऐड करने का, जिसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कलर पेंसिल्स की मदद से। तो मैं यहाँ पे पहले बुद्धदेव जी की जो कपड़ा मैंने बनाया था जो उनके बॉडी के ऊपर है उसके ऊपर सिंपली डार्क वैल्यूज को दिखाने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ब्राउन कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और ब्राउन कलर पेंसिल को अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर लेने के बाद उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो कपड़े को किस तरीके से डिटेल्ड वे में बनाना है, किस तरीके से कपड़े का जो फोल्ड्स है उसको रियलिस्टिक वे में दिखाना है, आप लोगों को इस पार्ट में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पे ब्लैक एरियाज़ के लिए सॉफ्ट शार्पनर पेंसिल का यूज़ मत करो तो ही अच्छा है, क्योंकि सॉफ्ट शार्पनर पेंसिल और येलो कलर के ऊपर ज़्यादा अच्छा सूट नहीं करता। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं इस पार्ट को ब्लैक कलर पेंसिल की मदद से कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैंने किस तरीके से किया। उसके बाद येलो पार्ट से ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो जो भी येलो पत्ते हैं पिक्चर के ऊपर उस पत्ते के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत ब्राउन कलर पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए वाइट कलर पेंसिल का यूज़ किया हूँ। तो येलो पत्ते के ऊपर डिटेलिंग हो जाने के बाद जो वाइट कलर पेंसिल होता है उसकी मदद से मैं ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर ले रहा हूँ। जो भी पत्ते का वाइट पार्ट है उसको मैं वाइट कलर पेंसिल की मदद से बना ले रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो। ओके, तो वाइट कलर पेंसिल का काम हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली डार्क ब्लू कलर पेंसिल, कुछ कुछ जगह पे स्काई ब्लू, या फिर आप लोग चाहे तो स्काई ब्लू कलर को स्किप करके सिंपली वाइट कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। यानी कि पत्ते में जो भी जगह पे आप लोगों को डार्क वैल्यूज दिखाना है उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना है डार्क ब्लू कलर पेंसिल, और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के लिए वाइट कलर पेंसिल, या फिर पत्ते में हाईलाइट दिखाने के लिए वाइट कलर पेंसिल। तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से डिटेलिंग कर रहा हूँ।
ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, बस आप लोग अच्छी तरीके से देखो, एंजॉय द वीडियो। ओके, तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और ड्राइंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।